Yes, Ayushi, good evening, and who else have joined? Kostub is there, okay. So, एक डाउट था. हाँ मैं अभी डाउट क्लियर करता हूँ. लेट मी एडमिट आरुषि ऑल्सो, आराध्या ऑल्सो. ओके गिव मी अ सेकंड, आई हैव टू यूज अनदर माउस. Yes, so it has been a long break because of some reason, and now let me see who all of you have joined. Ayushi, Aradhya, Arushi, Kostov, four of you have joined till now. So Ayushi, you have some doubt as you are saying. Please tell what is your doubt. Yes, sir. So the assignment that you gave last assignment, in that, sir, question number 3 and 4. Can you tell me what is question number 3? Because right now the assignment is not with me. So please dictate what is question number 3. Okay, sir. Question number 3 says, if A and B be two sets containing 3 and 6 elements respectively, what can be the minimum number of elements in A union B? Find also the maximum number of elements in A union B. Okay, so it is said in the question that you have to find minimum and maximum number of elements in A union B, right? Yes. So, and the number of elements in A is given as 3, and number of elements in B is given as 6, right? So this is the question with us. Okay. तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जब हम A union B में minimum number of elements निकालना चाह रहे हैं, minimum number of elements in A union B, तो उस situation में हमें ऐसा समझ में आना चाहिए, we should understand this question like this, कि अगर दोनों में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसकी सिचुएशन को हम डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, एंड इन दिस यूनिवर्सल सेट, दिस सेट ए एंड बी आर सिचुएटेड, एंड ए एंड बी आर सिचुएटेड लाइक दिस. ए में 3 है, बी में 6 है, तो पहले मैं बी सेट बना रहा हूँ. बी सेट में 6 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर में ए सेट है, मतलब ए सेट जो है वो बी सेट का सबसेट है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी सेट. अगर हम ये सिचुएशन समझ लें कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी सेट, तो क्या होगा कि जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी दैट विल बी बेसिकली नथिंग एल्स बट एक्चुअली दैट विल बी सेम एज बी. जो दोनों में सबसे बड़ा है वो बी है, और ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट तो है ही, और ए के बाहर के एलिमेंट जो बी में है वो भी हैं. तो ए यूनियन बी विल बी सेम एज बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी. और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ए यूनियन बी में सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में तुम्हें पाए जाएंगे, दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी.
एंड दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज एक्चुअली 6, तो ये आंसर होगा मिनिमम का। अच्छा, जब मैक्सिमम की बात की जाए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम का भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम की सिचुएशन अगर बनाओगी तो व्हाट विल हैपन, दैट इनसाइड द यूनिवर्सल सेट यू हैव टू सेट्स ए एंड बी, और यहाँ पर ए और बी एक्चुअली कैसे सेट होंगे, ए और बी एक्चुअली डिसजॉइंट सेट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ए और बी का अगर तुम इंटरसेक्शन लेती हो, दैट विल बी नल सेट, फाइन। मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हम यूनियन लेंगे तो ए के भी एलिमेंट्स लेंगे और बी के भी एलिमेंट्स लेंगे, दोनों के एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे वो मैक्सिमम इस सिचुएशन में मिलेंगे। और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स मैक्सिमम मिलेंगे, 3 फ्रॉम ए एंड 6 फ्रॉम बी, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ सबट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, तो दैट विल बी 9। तो दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन तुम्हें ए यूनियन बी की मिल सकती है, कि सबसे कम एलिमेंट 6 हो और सबसे ज्यादा एलिमेंट 9। What is the fourth question? The fourth question says that in a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper A. Okay. 20% families buy newspaper B. Okay. And 10% families buy newspaper C. 5% families buy A and B. Okay. 3% buy B and C. 3% buy B and C. Yes. And 4% buy A and C. A and C, how much percent? 4%. Okay. If 2% families buy all the 3 newspapers, find the number of families, yes, which buy first A only, second B only, and third none of A, B, and C. First A only, second B only, and third none of A, B, and C. Okay, so let us see how can we approach this question. There are various ways in which we can approach this question. The first way is that सबसे पहले तो हमारे पास एक काम ये करना होगा कि ये जो भी परसेंटेज में दिया हुआ है इसको नंबर में लिखना होगा। तो 40% फैमिली न्यूज़पेपर ए अगर बाई करती है तो 10,000 का 40% क्या होता है, यू ऑल नो दैट इज 4,000। ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, 40 × 10,000 बाई 100 करके ऐसा निकालेंगे। 20% ऑफ न्यूज़पेपर बी अगर करती है तो दैट वुड बी 2,000, और 10% न्यूज़पेपर सी करती है तो दैट वुड बी 1,000। 5% ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों न्यूज़पेपर बाई करती है वो 5% है, तो 500 फैमिलीज ऐसी हैं। नाउ 300 फैमिलीज बी एंड सी, एंड ए एंड सी इज 400 फैमिलीज, एंड 2% बाईज ए बी एंड सी ऑल थ्री। ओके, सो दैट विल बी 200। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा वेन डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा थोड़ा, ये पिक्चर क्लियर रहे। इसमें हमारे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है।
तो सबसे पहले हम अलग अलग रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अलग अलग रीजन हमारे पास है और किस रीजन में कितने एलिमेंट्स जा रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट वी विल डू हेयर इज 4000 न्यूज़पेपर ए बाई कर रहा है, तो पूरा ए 4000 है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी 500 है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 200 है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वाला रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन, ये रीजन में 200 फैमिलीज लाई कर रही हैं। 200 फैमिलीज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को देखें तो इसमें 500 है, उसमें से 200 तो निकल के चला गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले रीजन में। तो जो ऊपर वाला रीजन बचा वो बचा 500 माइनस 200 मतलब 300। ये इस बात समझ में आई सबको? यस सर। गुड। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 400 है जिसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 200 तो तीनों के कॉमन में है, तो बाकी यहाँ पे जो बच गया 400 माइनस 200 इज 200। तो इस तरीके से हमने तीनों रीजन में नंबर्स लगा दिए। अब आई बारी ए के इस रीजन की, ये वाला जो रीजन है, द रीजन इज दिस रीजन, ये जो रीजन है इस रीजन की अब बारी आ गई। इस रीजन में कितने हुए? तो अगर तुम देखो यहाँ पर कि ए में 4000 थे, उसमें से 300 चले गए, 200 चले गए और 200 चले गए, तो टोटल 700 चले गए, तो बचे कितने? 3300। तो ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग बी में। तो बी इंटरसेक्शन सी में 300 है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 200 है, तो 300 में से 200 चले गए तो 100 बचा, तो ये 100 यहाँ पे हमने डाल दिया। अच्छा, अब बी में देखते हैं बी में कितने होने चाहिए। तो टोटल 2000 हैं जिसमें से 300, 200 और 100 यूज़ हो चुके हैं, मतलब 600 यूज़ हो चुके हैं। तो 600 अगर चले गए तो 2000 में से 600 जाने के बाद यहाँ सर 1400 1400 करेक्ट। अब सी में आते हैं तो 1000, 1000 में से 500 ऑलरेडी चले गए हैं तो 500 बच गया। तो ये हमारे पास अलग अलग रीजन में नंबर ऑफ फैमिलीज विद न्यूज़पेपर है। अब इसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि अलग अलग ए ओनली क्या होगा। तो ए ओनली का तो आंसर तुम्हें दिख ही रहा है, दैट इज़ 3300, एज यू कैन सी इन द फिगर 3300 है। बी ओनली अगर देखते हैं तो बी ओनली में 1400 है, करेक्ट। अच्छा, नन ऑफ ए बी एन सी, तो ए बी एन सी मतलब बाहर वाला जो रीजन है, ये यूनिवर्सल सेट में ए बी और सी के बाहर वाला रीजन, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है। तो इफ़ यू ऐड ऑल द एलिमेंट्स, तो 3300 प्लस 300 प्लस 205 प्लस 27, ये 4000 हो गया, इधर 4000 और ये हो गया 1400 प्लस 100 1500, 5500 और 500 6000 हो गया। तो 6000 जो है ये टोटल सम आ रहा है और 10000 फैमिली में से 6000 फैमिलीज न्यूज़पेपर ले रही हैं, तो बाहर में जो बच गई वो 10000 माइनस 6000 सो 4000 दैट विल बी 4000 करेक्ट। तो 4000 जो हो गया नन ऑफ ए बी एंड सी हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस यस सर। ओके गुड। Anyone having any other doubt from sets which we are doing? No, sir. Yarushi.
Okay, let us practice few questions from this chapter. So today's class is basically question practice on sets. So we are practicing few questions on this chapter. So I'm erasing this now. So I'm giving a question to you. First you will try, then we will discuss it. So in a survey of 100 persons, it was found that 28 read magazine A , 30 read magazine B , 42 read magazine C , 8 read magazines A and B , 10 read magazines A and C . Right. In a survey of 100 persons, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazines A and B, 10 read magazines A and C. Five read magazines B and C. Sorry, B and C, not A and C. This is B and C. Right. It is a similar question. And three read all the three magazines. And three read all the three magazines. So you have to find first part. How many read none of three magazines? If you have understood the question, which we have discussed just now, you can do this easily. Make a Venn diagram. How many read magazine C only? So try this question, please, every one of you, and give me your answers. I think question is clear to every one of you, no?
Yes, sir. Devansh, you joined little late. I hope you don't have any issue. Yes, sir, I'll be trying. Okay. Once you will be done, just tell me the answer, every one of you. Sir, answer of first is 20. Answer of first is 20. Arushi is saying the answer for first is 20. Okay, let me write the name Arushi. First answer is 20. Okay, so for second 24. For second 24, who is saying? Devansh. Devansh, okay. First, I'm writing the answer from every one of you, then I will tell what will be the correct answer. Devansh 24 and Arushi 20. Arushi for the first one 20, Devansh for the second one 24. Okay. I'm not telling you it, what is the correct answer right now. I want answer from everyone. It is a sort of quiz. You can consider that this is a small quiz for you.
answer from someone else is 24 from Ayushi for the second one. Okay, Ayushi for the second one is 24. And someone else also given Kaustubh 24 for the second one, Kaustubh or the first one? Second one, okay. ठीक है कौस्तुभ सेकंड वन 24 सो यस सर फॉर फर्स्ट वन इट इज 20 एंड सेकंड वन इट इज 30 राधिया फॉर द फर्स्ट वन इट इज 20 राधिया फॉर द सेकंड वन इट इज 30 सर माइन आल्सो सेकंड वन 30 हु Sir Arushi. Arushi. Arushi for second one is 30. And someone has sent the message 20 for the first Arushi. Okay. So for the first two of you are remaining to give your answer, Kaustubh and Devansh for the first one. For the first, I'm getting 20. For the first one, Devansh, what is your answer? 20. 20, okay. And Kaustubh? Kaustubh has not given the answer for the first one. Let us, okay, the answer has come from Kaustubh, it is 20, okay. So for first one, every one of you saying 20, okay. But in the second one, some of you is saying 24, some other are saying 30. So let us see what is the correct answer. Let us draw the Venn diagram here. So this is the Venn diagram. This is magazine A. This is magazine B and this is magazine C, right? We will start from the smallest number. That is, all the three magazines are read by three persons. Three read all the three magazines. So three will be the intersection of all the three. Okay, this is three here. It is very small, but I think it is visible to everyone. Five read magazines B and C. So 2 will come here, 2 plus 3 is 5, and A and C is 10, A intersection C is 10. So 3 has already gone, so this will be 7, and 8 read magazines A and B. So out of 8, already 3 has gone, so 5 is remaining. 42 read magazines C, so C 42, so you can subtract 12 from here, this will be 30. And then 30 read magazine B. So if 30 read magazine B, so 30 mein se 8, 10 chala gaya, 20 yahan ho gaya. Or 28 read magazine A. So 28 mein se 15 chala gaya. So 13 ho gaya. So this is how we can see the situation over here. सबका अगर ऐसे ही situation अगर आया है then it is fine. लेकिन सबका same नहीं आया होगा क्योंकि answer में थोड़ा difference है. तो first, second part पहले कर लेते हैं. How many read magazine C only? So magazine C only 30 है. So Devansh and Ayushi and Kaustubh, your answer is not correct because it is 30. So Aradhya, it is correct, and Arushi, it is correct. Fine. And if we talk about how many read none of three magazines, so we will add them up. That will become 30, 20, and 55, and 5, 60, 60, and 80. Huh? That is fine. This answer is correct by everyone. This is correct answer. So, have you analyzed Devansh, Ayushi and Kaustubh where you have done the mistake?
Yes. Okay, good. So we will come to the next question now. So I am writing the marks here, quiz marks. It is sort of quiz, na? So Arushi, on the left I am writing, not on the right, on the left. Quiz. So we have Arushi, and for the first question you will be given, Arushi will be given 2 points. Aradhya. Aradhya will be given 2 points again. Ayushi will be given 1 point. Devansh will be given 1 point. And Kostub will also be given 1 point. Okay. Now I'm erasing this. I'm coming to the next question. So next question is, this will be of 1 point. The next question says, U be the universal set and number of elements in the universal set is equal to 700, and A and B are subsets of U such that, so A and B both are subsets of U, that means they lie inside U, the universal set, such that number of elements in A is equal to 200, number of elements in B is equal to 300, and number of elements in A intersection B is equal to 100. Then you have to find number of elements in A complement intersection B complement. Question is clear to everyone? Yes, sir. Okay.
So Kaustubh is saying 300 is the answer. Okay. Sir, 300. Arushi also 300. 300. Devansh is saying 300. Ayushi, okay, 300. Sir, 300. Aradhya, 300. So everyone is getting 300. So this should be answer. Anyways, let us check it. So N of A complement intersection B complement. Agar hum D Morgan's law yaad kare, to A complement intersection B complement is nothing but A union B complement. Okay, because we can write A complement intersection B complement is equal to A union B ka complement. This is the De Morgan's law. And what is N of A union B complement? That is number of elements in the universal set minus number of elements in A union. Okay. Number of elements in the universal set is 700. And number of elements in A union B, if you want to find out, that is the formula with us. So yahan par hum direct formula laga sakte hain, chahe to Venn diagram bhi use kar ya phir hum formula laga sakte hain. Like this. So this will be 700 minus number of elements in A is 200, number of elements in B is 300, and number of elements in A intersection B is 100. So this will be finally, this will be 500 minus 100, 400, and 700 minus 400, 300. That will be your answer. Right. Fine. Yes, sir. So I can give 1 point to every one of you in this question. And let us come to the next question now. So I think every one of you have practiced. That is why you are able to do these questions. So for the next question, let me keep the name as it is here. And the next question is, if A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then find the number of proper subsets of A. छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. Sir, 8. Not 8. Who has given this answer? Sir, Devansh. Okay, let me write the value here. अभी मुझे बताना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया not 8. तो तुम्हारा आंसर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Oh, sorry, sir. Sir, 32. Okay, Devansh is saying 32. Okay. Let us wait for others. Devansh is saying 32. Okay. And Ayushi is also saying 32. Fine. Devansh is saying 31. Okay, Devansh ने अपना आंसर चेंज करके 31 कर दिया. Kaustubh ने भी 31 कर दिया है. ओके.
Okay, others. Sir, 31. Arushi, 31. Okay. Sir, 31. Aradhya also 31? Yes, sir. Okay, so four of you have given 31 and Aisha has given 32. So those who have given 31, I will like to know from them why it is 31, why not 32? So because the formula of a proper subset is 2 is 9, 2n minus 1. Yes, 2n minus 1. Why it is 2 to the power n minus 1? That is actually number of subsets. Number of subsets of a set with n elements is equal to 2 to the power n, right? Now, number of subset of a set with n elements is 2 to the power n. But number of proper subsets, if we talk about number of proper subsets of a set with n elements, this is actually 2 to the power n minus 1. So why we subtract 1 from this? Can anyone tell me? Kaustubh is saying that phi is not a proper subset. Kaustubh, phi is a proper subset. Actually, the A set itself, someone else has also given the answer. Phi is a proper subset, but 1, 2, 3, 4, 5 is not a proper subset. That is, the set itself is a subset of the set, but it is not a proper subset. It is an improper subset, right? तो हम इसके जितने भी subsets बनाएंगे, उन सब subsets में जो A set होगा, the set itself, वो proper subset नहीं होगा. That will be called improper subset. तो कोई भी set अगर दिया हुआ है A, तो वो अपने आप का subset होता है. A is a subset of itself, but it is not a proper subset. It is improper subset. तो जो set खुद है, वो एक improper subset होता है. Proper subset नहीं होता. It is not a proper subset, but improper subset. इसलिए उस particular को हटा देते हैं, और बाकी जितने भी हैं, उन सब को हम proper subset कह सकते हैं. तो A is not a proper subset but improper subset of itself. All other sets are proper subsets. Is this clear, Ayushi and everyone else also who has given the answer? Yes, sir. So here Ayushi won't get the point, but others will get. So formula kyun aaya ye bhi samajhna zaruri hai. Theek hai, formula yaad nahi karna hai, formula samajhna hai. जैसे इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. पांच एलिमेंट का एग्जांपल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 टू द पावर 5 मतलब 32 एलिमेंट्स लिखने में बहुत टाइम लगेगा. तो मैं तीन एलिमेंट अगर लेके तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं तो वो ज्यादा बेटर होगा. So if there is a set with 1, 2, 3 elements, तो इसके subset अगर हम सब लिखने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले null set तो एक subset होता ही है, फिर singleton set कौन-कौन सा होगा? 1, 2, 3, फिर pair sets, मतलब दो-दो के, 1, 2, 2, 3, 1, 3, फिर 1, 2, 3, तो टोटल तुम देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं. उसमें से जो 1 2 3 है ये इंप्रॉपर है, इसलिए 2 टू द पावर 3 माइनस 1 हो गया. दैट इज 8 माइनस 1, दैट इज 7. तो 7 प्रॉपर. और अगर पूछा जाए कि सबसेट्स कितने हैं, तो 8 हैं. तो ये एक इंप्रॉपर सबसेट हो गया 1 2 3 इट्सेल्फ. ठीक है, I hope it is clear. So
So let me erase this. Okay, can you simplify this one? This is also of one point, that A intersection B complement is equal to क्या होना चाहिए? इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं? ये छोटे में लिखना चाहिए इसको, तो क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन में दे दूं क्या? डू यू वांट ऑप्शन? ऑप्शन दे देता हूं सर. ए इंटरसेक्शन बी? नो, नॉट ए इंटरसेक्शन बी. अभी मैं ऑप्शन दे देता हूं. ऑप्शन में तुम्हें दिख जाएगा. ए इंटरसेक्शन बी तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. ए सेट है, बी सेट है, फाई सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है. तो वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे ना तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. So C. C option. Who is saying C? Devansh. Devansh. Okay. Devansh is saying C. Okay. Others waiting for your answer. Sir, is. Sorry? Sir, A. A, by Arushi is saying A.
Radhya is saying A, okay. Kaustubh is saying D. Ayushi is also saying A. So let us see which is the correct answer. Let us draw a Venn diagram here. And there are two sets, A and B, in this universal set. Now here we have A intersection B complement. First of all, let us shade this region. So A intersection B, we all know A intersection B, which is the common region, and complement of that. So complement of that is actually the region which I'm highlighting like this. Except A intersection B, whatever you are getting, that is A intersection B complement, right? So this is A intersection B complement. With the green line, I have highlighted A intersection B complement. And another one is A. I will highlight A also. So A is this one. This is A. Now the intersection of A and A intersection B complement is actually, okay, so the intersection of A and A intersection B complement is actually this region. This region actually. So I think none of the options are correct. So the correct answer should be, because if you are taking the intersection of A with A intersection B complement, then this is the region which is actually correctly written as, this is A minus B. Isn't it so? This is A minus B. Or we can also write it as A intersection B complement. It is also written like this. This is another way of writing A minus B. So isme se koi bhi option sahi nahi tha. ये सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. इसका मैं किसी को कोई मार्क्स ना दूंगा ना मार्क्स काटूंगा, लेकिन इसमें सही, ये क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन ये है, एंड इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो, गुड. सो ए माइनस बी is the answer, or we can also say A intersection B complement. ठीक है, A minus B का दूसरा रूप ही होता है A intersection B complement, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है. Let us come to the next question. अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, Venn diagram से अगर नहीं करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो भी यही आंसर आना चाहिए था. जैसे A intersection B कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ. उसके बाद इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई होता है. A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. फाई का तुम किसी के साथ भी यूनियन लोगे तो वही सेट मिलेगा. सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो फाइन, ए यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विच यू आर गेटिंग फ्रॉम वेन डायग्राम ऑल्सो, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले हमने क्या लगाया? ये जो लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ.
और ये जो लगाया हमने डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके बाद आइडेंटिटी लॉ लग गया। दिस इज आइडेंटिटी लॉ, किसी भी सेट का फाइव के साथ यूनियन लेगा तो वही सेट मिल जाएगा। सो सेव दिस आल्सो, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। चाहो तो वेन डायग्राम से शेड करके निकाल सकते हो, या चाहो तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके भी निकाल सकते हो। Come to the next question now. Next question says, A is equal to x such that x is a multiple of 3 and B is equal to B is equal to 5 then A then find A minus B. ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और पैटर्न लिख देना है, ठीक है, एक पैटर्न लिख देना है। ये नहीं कि इन्फिनिटी तक लिखते चल जाओ, 10-15 एलिमेंट लिख दो जिससे पैटर्न समझ में आ जाए। या अगर चाहो तो रूल मेथड से भी लिख सकते हो, अगर उतना तुम्हें समझ में आ जाए कि रूल मेथड में इसको कैसे लिखा जाए तो वैसे भी लिख सकते हो।
So yes, Devansh. The answer is a minus b equals to x such that x is a multiple of 3 but not a multiple of 5. Okay, Devansh. So Devansh is saying that x is a multiple of 3 but not a multiple of 5. So I think it is quite clear. कि हमें वो सारे नंबर्स इंक्लूड करने हैं जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल हैं लेकिन 5 के साथ मल्टीपल नहीं हो रहे होंगे. सो एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर सजेशन? इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब मुझे शुरू के 10 एलिमेंट्स लिख के बताओ सारे लोग. To be saying x is a multiple of 3. Okay. शुरू के 10 एलिमेंट लिख के बताना जरा सारे. ये तो चलो समझ में आ रहा है कि x is a multiple of 3 but not x is a multiple of 5. So 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 33. Okay, fine. Yes, sir. Kostub has also given the answer. Ayushi has also given the answer. Okay, Kostub and Ayushi. Ayushi not 15 and not 30 also, Kostub. Similarly, Ayushi, you have also included 30. Aradhya and Arushi, what is your answer? Three persons have submitted their answer and to some extent they are correct. Kostub ne thoda sa galti ki hai, to Kostub ko main 50% marks hi de paunga. Aur Ayushi ne bhi thodi si galti kar di hai. Ab Ayushi ne sahi kar diya. Chalo, Ayushi ko ek de deta hu, Devansh ko ek de deta hu, lekin Kostub ne do jagah galti kar di. Isliye sorry Kostub, tumhara aadha marks maine kaata hai. Arushi is saying 15 and 30. ये तो गड़बड़ हो गया आरुषि. 15 और 30 तो हटाना होगा. यू आर इंक्लूडिंग इट और एक्सक्लूडिंग इट. एक्सक्लूडिंग इट. ओके फाइन. एंड आराध्या, व्हाट इज योर आंसर आराध्या? आरुषि, आराध्या, आयुषी, देवांश एंड कौस्तुभ. सो द नंबर्स आर 3, 6, 9, 12, 18, नॉट 15, 21, 24, 27, देन अगेन नॉट 30, 33, 36. So, इस तरीके से आगे डॉट 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 कर दो. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव हेयर इज two finite sets finite sets
have m and n elements. The number of elements in the power set of first set is 84, 48, more than the total number of elements. In power set of the second set, then find the values of m and n. पावर सेट सबको पता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट. जितने भी सबसेट्स हैं उन सब का जो सेट बनता है उसको पावर सेट कहते हैं. जब ये कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ना प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट हो या इम्प्रॉपर सबसेट हो, मतलब टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतने एलिमेंट्स पावर सेट में होते हैं. Okay, answers have been given by sir. M is equal to 6 and n is equal to 4. M is equal to 6 and n is equal to 4. Let me check. Yeah, fine. So all of you have given the correct answer. Good. Kaustubh, Aradhya, okay. And Arushi and Ayushi. Ayushi ne bhi bola ya Arushi ne bola tha? Kisne bola tha bhi? Sir, Arushi. Arushi, okay. And Ayushi. Ayushi, have you also solved the question? Ayushi is also saying m is equal to 6 and n is equal to 4. Fine. So basically, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो power set है उसमें जो number of elements हैं उसमें एक में m element है, एक में n element है. तो sorry, set में m और n है, तो उसके power set में कितने होंगे हमें ये करना है. तो power set में 2 to the power m और एक
जो दूसरा है उसके पावर सेट में 2 टू द पावर m. तो 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज गिवन एज 48. So how can you get 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 48? So you have to do some hit and trial. And when you will do this hit and trial, you will see that if you take 2 to the power 6 minus 2 to the power 4. So 2 to the power 6 is 64 and 2 to the power 4 is 16. So 64 minus 16 is 48. So we can take m as 6, that is correct, and n as 4, that is also correct. So answer is m is equal to 6 and n is equal to 4. Devansh is not attending the class. Where is he? Okay, anyways, so I can't give marks to Devansh. Next question is, A minus B union B minus A, and option I'm giving to you. A option is A minus B union A. B option is B minus A union B. C option is A minus B, sorry, A union B minus A intersection B. B option is A union B intersection A intersection. So you can draw the Venn diagram and the shaded region you identify and see which shaded region match which option. Sir, C. C option by Arushi, okay. Aradhya is also saying C. Ayushi is also saying C, okay.
Kostur, waiting for your answer. So be fast. So here I'm drawing the Venn diagram. This is A set. This is B set. And A minus B union B minus A. So A minus B is this region. B minus A is this region, which is basically A union B minus A intersection B. So C is the correct option, right? So Arushi, Aradhya, and Ayushi, I can give marks to you. So what are we getting at the end of the quiz? Let us see. We are getting this marks. Arushi is having 2, 4, 6, 7. Arushi is having 7 marks in the quiz. Aradhya is having 7 marks in the quiz. And Ayushi is having 5 marks. Ayushi, thoda sa tum piche reh gayi ho. Devansh only 4, wo to 4 baje chala gaya. And Kaustubh 5. Okay, so let me take the pick of this marks and I will share with the concerned person. Okay, so anyone feeling any other type of difficulty in this chapter sets? Otherwise, we will start new chapter in the next class, which is actually relations and then functions. Anyone facing any specific type of problem during practice or something in deciding a strategy? Yes. No. Okay, so let us conclude today's session here only. Okay, and we'll start next chapter in the next class. Thank you, students. All the best. Thank you, sir. Yeah, Ayushi, you want to ask something? You have raised hand. Yes, so there was one question that says if A is any set, prove that A subset of empty set, then it says like there's an arrow and which then it's written that A equals to empty set. Okay, this type of question is basically logical questions, and these type of logical questions are no more in the syllabus. These type of questions, even in NCERT miscellaneous, you will find 5-6 questions which are logical questions. And these are no more in the syllabus of your class as well as competitive exam. So you can skip this question because वैसे तो इसका आंसर समझ में आ ही रहा है कि A अगर phi का subset है तो इसका मतलब है कि A खुद ही phi होगा. A में और कोई element हो नहीं सकता है. लेकिन इसको हम लोग जो proof करते हैं इसको logical method से proof करते हैं. So अब logical method जो है वो अब syllabus का part नहीं है. तो तुम इसको skip कर सकती हो. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.